बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेज़ आफ्ताब अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी के प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ रमज़ान की एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने आई हूँ। जी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, चने पड़े हुए तो जाहिर बात है चने की चाट बनने वाली है, लेकिन ये सब डिफरेंट चाट होगी। होगी चाट ही, लेकिन थोड़ा हट के। तो कैसे हट के होगी, अभी चल के हम इस पर बात करते हैं। तो जी, आज हमने बनानी है कटोरी चाट। कटोरी चाट के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है पड़ेगी वो देखते हैं। जी, तो कटोरी चाट के लिए हम बनाएंगे कटोरी मैदे की। तो मैं लेने जा रही हूँ जी 2 कप मैदा। आप चाहें तो 1 कप भी ले सकते हैं, बल्कि ऐसा करती हूँ आपको 1 कप के साथ ही सिखाती हूँ आज मैं कटोरी चाट। इसको हम अच्छी तरह छान लेंगे। एक कप मैदे के बाद इसमें जाएंगे 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, 1 and 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी 1/2 टीस्पून से कम नमक। इसके बाद इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून ज़ीरा। इसके साथ इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून से कम, बल्कि 1/2 टीस्पून ही अजवाइन जाएगी इसमें। इससे क्या होगा, हमारी जो टोकरी होगी वो हैवी नहीं होगी। इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता पानी डालेंगे और इसको अच्छी सी डो बना लेंगे। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी ऐड करते जाएंगे और डो बनाते जाएंगे। आपने इसकी डो हार्ड बनानी है, ठीक है, उस हिसाब से पानी ऐड करें। जी, तो डो तैयार हो चुकी है हमारी। इसमें मैं हल्का सा ऑयल लगा देती हूँ और फिर इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ। 15 मिनट्स गुजर चुकी हैं और हमारी डो सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम बनाते हैं इसके छोटे छोटे बॉल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, छोटे छोटे बॉल बनाएंगे और इन बॉल से हम बनाएंगे टोकरी से। बना के रखते जाएंगे बॉल टोकरी प्लेट में। जी, ये 1 कप मैदे से तकरीबन 5 बॉल्स बनेंगे। ठीक, 1 by 1 बॉल्स को उठाएंगे, उठा के इनको उसके में डाल के थोड़ा सा बड़ा करेंगे और फिर इसको बेल लेंगे। बेलने से पहले आप शेल्फ को अच्छी तरह साफ कर लें ताकि किसी किस्म का कुछ जम ना जाए। चलिए, इसमें रखना ही रहिए। जी, तो हमने 5 पेड़ों की 5 इस तरीके से रोटियां बना ली हैं और अब हमने ले ली है कटोरी। स्टील की कटोरी बाज़ार से आसानी से मिल सकती है आपको, नहीं तो घर में अगर सिंगल की कटोरी है तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो इसको हल्का सा मैंने गीला किया, ऐसे हल्का सा गीला करने के बाद इसके ऊपर अब डाल दूँगी ये 1 अदद रोटी सेंटर में करके, जहाँ से इसका सेंटर बन जाए वहाँ पर स्टॉप हो जाए। जो एक्स्ट्रा होगा वो हम कट कर देंगे। बस ऐसे बन गया कि जो है ना इसके किनारे, इसको ऐसे पानी लगा के हम फोल्ड करते जाएंगे ऐसे, क्योंकि हमने तो बनानी है टोकरी। तो जो साइडें हैं इस तरीके से हम बंद करते जाएंगे थोड़ा सा गीला करके। जी, तो देखिए हमारी कटोरी रेडी हो चुकी है। अब हम इस साइड से इसको हल्का हल्का अंदर करके ना एक्स्ट्रा उतारते जाएंगे ऐसे। ये एक्स्ट्रा हम उतार देंगे तो फिर हमारी प्लेन सी बड़ी अच्छी सी कटोरी बन जाएगी ऐसे। छुरी से कट भी कर सकते हैं, मैं दूसरी कटोरी कट करके आपको दिखा दूंगी। ये देखिए, ये हमारी कटोरी रेडी हो गई है। साथ मैंने चूल्हे के ऊपर ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अब हम सबसे पहले डालेंगे इसको ऑयल में और फिर देखते हैं करना क्या है।
जी हमारी कटोरियाँ तैयार हो चुकी हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एक कटोरी रखी, इसे मैं डालूंगी थोड़े से चने, सात आलू, प्याज, टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च, फुलकी डालूंगी, इसमें थोड़ा सा दही। दही के बाद फिर इसमें ऐड करूंगी एक और लेयर चनों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चने डाल गए, थोड़े से और। अब आलू, प्याज, एक सा टमाटर, इस तरह लेयरिंग करते जाएं। टमाटर, ग्रीन चिली, थोड़ी सी इसमें फुलकी ऐड कर देंगे इस तरह से। अच्छा जी, फुलकी के बाद फिर हम करेंगे इसमें दही ऐड, चाट मसाला, खूब अच्छा करिए करारा करके। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे इमली की चटनी, आप चाहें तो बीच में हरी चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हम ऐड करेंगे, मुझे याद आ रहा है मैं अपने बाग से पुदीना तोड़ के लाती हूँ अभी, आप वेट करें ज़रा जी। एंड पर आ गया हमारे पुदीने का पत्ता, ये हमारी हो गई है तैयार कटोरी चाट। मैं इस तरह और भी प्रिपेयर करके आपको दिखाती हूँ फाइनल के साथ जी। तो हमारी ज़बरदस्त सी कटोरी चाट रेडी हो चुकी है, हमें तो अफ्तार में बड़ा मज़ा आने वाला है। तो आप भी इस तरह बनाकर अपनी अफ्तार के दस्तरखान को डेकोरेट करें, सजाएं और लुत्फ़ अंदोज़ हों। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।